एक अक्सर कहा जाता है कि जिनके बाल झड़ते हैं उनके पास पैसे बहुत होते हैं, ऐसा कोई वैज्ञानिक शोध नहीं है? ऐसे तो पता नहीं, पर उनके पैसे लगते हैं। राइट, थैंक यू। तो जो प्लास्टिक सर्जन सर जो बनते हैं वो फिर पढ़ाई किस चीज की करते हैं? लाइक सब जैसे सभी डॉक्टर बनते हैं वैसे आपकी होती है या कुछ अलग होता है? नहीं, सेम ही है। पहले सबसे पहले तो PMT है, अब नीट शुरू हो गया है, नीट UG स्टार्ट हो गया है, उससे MBBS करते हो, MBBS के पास बाद आप जनरल सर्जरी करते हो जी। जनरल सर्जरी के बाद नीट सुपर स्पेशलिटी आता है, वो क्लियर करना पड़ता है, उसमें फिर प्लास्टिक सर्जरी चूज करनी पड़ती है। तो सर जिस तरह से आपने ये बताया, जैसे कई बार जले का केस आ जाता है, कुछ लोग दूध से जल जाते हैं, कुछ लोग बिजली से जल जाते हैं, या कई अग्निकांड में लोग जल जाते हैं जिनके कारण कई बार तेजाब कोई किसी के चेहरे पर फेस पे फेंक देता है, ऐसे काफी केसेस आते हैं। क्या प्लास्टिक सर्जन की दुनिया में या प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में इन सब चीजों का इलाज संभव है? एक सर पीछे काफी चर्चित केस रहा था कि किसी किसान का कटा हुआ हाथ आपके पास आया था, पर बाद में आपने उस हाथ को जोड़कर उसे चलने भी लगा उसे चला भी दिया था आपने। कितना कुछ सच्चाई है इसके बारे में? एक मुझे बताइएगा, कभी किसी के चेहरे पर लाइक तिल जो होता है जिसे मुहासे बोलते हैं, मोका भी बोलते हैं पंजाब में, तो ये जो बड़े बड़े हो जाते हैं इसके पीछे क्या कारण होता है? वाई वर्थ हो जाता है कईयों को वर्थ के बाद होता है? जुड़वा जो तैयार करते हैं उसमें प्लास्टिक सर्जन का कोई रोल नहीं होता, उसमें ये है कि उनके किरदार जो होता है उसको कोई और काम होता है, जो छोड़ जाते हैं तो किसी और को लाना होता है, तो प्लास्टिक सर्जरी का जरिया लेकर उनको ले आते हैं। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का नाम अक्सर आपने सुना होगा, बहुत बार लोग प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र करते हैं, बहुत बार लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोच रखते हैं। लोग बॉलीवुड के जितने सितारे होते हैं लोग ये सोचते रहते हैं कि लगभग सितारे प्लास्टिक सर्जरी के दौर से गुजरते हैं, परंतु प्लास्टिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जन ये दो चीजें अलग अलग हैं और इन दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। एक प्लास्टिक सर्जन ही प्लास्टिक सर्जरी करता है, परंतु प्लास्टिक सर्जन किस प्रकार के रोगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद हमारे आज के इस एपिसोड से प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल होंगे उनसे हम पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। कुछ सवाल अगर हमसे रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमें पूछ सकते हैं, हम अपने अगले एपिसोड में उन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं GVC अपडेट। आज मेरे साथ प्लास्टिक सर्जरी पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर सुमित प्लास्टिक सर्जन हैं। और सबसे पहले तो सर मैं अपने जितने हमारे दर्शक हैं इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी चीज क्या है, किसे प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है, क्या इसमें प्लास्टिक का प्रयोग होता है या कुछ और है? देखो, प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ी ही वास्ट है ब्रांच है। एक प्लास्टिक सर्जरी हम जो यूजली सुनते हैं कि ये सेलिब्रिटी ने ये करा लिया, वो करा लिया, कॉस्मेटिक करा लिया, उससे चेंज हो गए, या ज़्यादातर हम सीरियल्स देखते हैं सास बहू वाले सीरियल्स में क्या होता है कि अगर कोई इनको किरदार चेंज करना हो तो बोल देते हैं कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, उसको चेंज कर दिया हमने। राइट, हाँ ठीक है, कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक है, कुछ हद तक हम करते हैं, मोल्ड करते हैं, राइनोप्लास्टी करते हैं, जो फेस लिफ्ट करते हैं, ये चीजें करते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं, कुछ हद तक ये चीजें ठीक होती है, पर जितना ये हमारे सीरियल्स में दिखाया जाता है इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते प्लास्टिक सर्जरी से। जो जुड़वा तैयार करते हैं उसमें प्लास्टिक सर्जन का रोल होता है? जुड़वा जो तैयार करते हैं उसमें प्लास्टिक सर्जन का कोई रोल नहीं होता, उसमें ये है कि उनके किरदार जो होता है उसको कोई और काम होता है, जो छोड़ जाते हैं तो किसी और को लाना होता है, तो प्लास्टिक सर्जरी का जरिया लेकर उनको ले आते हैं। ठीक है, राइट। तो हकीकत में जो सर प्लास्टिक सर्जन का जो काम होता है सच्चाई में जो जमीनी स्तर पर है वो क्या होता है? प्लास्टिक सर्जरी का जैसे मैं आपको बता रहा था, प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं। राइट, ऐसे ही हम शरीर के टिश्यू को मोल्ड करके कोई और शेप दे के, जहां अगर कहीं जख्म है जो बंद नहीं हो रहा, जो हड्डी नंगी है, उसको हम कहीं और से उसको स्किन को ला के कवर करके फ्लैप कर लेते हैं, ग्राफ कर लेते हैं, इस चीजों को जो हम करते हैं इसको हम प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट है। जी सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में और क्या आता है, जो बर्न्स होते हैं, जले वाले पेशेंट्स होते हैं, अभी जले हैं जिसे एक्यूट कहते हैं, पुरानी है, क्रोनिक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कॉन्ट्रेक्चर्स आ जाते हैं, ये जो सारा पार्ट है, ये बर्न टोटल जो बर्न का केयर है वो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर होता है, प्लास्टिक सर्जन उसको करता है। राइट,
इसमें और क्या आता है? इसमें यह आता है कि जो राइनोप्लास्टी है, जिसको हम कहते हैं नाक है, सेप्टो राइनोप्लास्टी, सेप्टम होता है, नाक टेढ़ा है किसी का, बचपन से नाक टेढ़ा है, उसको ठीक करवाना है, तीखा नहीं है, जो टिप होती है वो नीचे को है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है राइनोप्लास्टी, जो शेप नोज की शेप चेंज करना है, जिसको हम जो नॉर्मल भाषा में इसको हम नोज जॉब भी बोल देते हैं, ये भी राइनोप्लास्टी का काम है। अगर किसी का कहते हैं कि मेरा होंठ छोटा है, फिलर होते हैं, फिलर कर सकते हैं, चिन है किसी की वो सीधी नहीं है, टेढ़ी है, चिन लिफ्ट कर सकते हैं हम जी, उसको रीशेप कर सकते हैं। और इसमें आ जाता है फेस लिफ्ट होता है, मतलब कि यूजली होता है एज एजिंग होता है, आप देखोगे कि फेस गिरना शुरू हो जाता है, राइट। तो उसको फेस लिफ्ट भी हम करते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी में जिसे सरल भाषा में हम झुर्रियां भी कहते हैं, झुर्रियां, रिंकल्स है, रिंकल हम कम करते हैं, बोटॉक्स होता है हमारे पास, इंजेक्शन जो होता है जिसे हम इसको कम करते हैं, फिलर्स आते हैं, ये सारा जो पार्ट है। ब्लेफरोप्लास्टी जैसे कई बार होता है कि जो ओल्ड एज होते हैं उनको लगता है कि नीचे नीचे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, इसको कम करना है, हमारी अपर आईलिड नीचे गिर रही है काफी ज्यादा, ये वाला पार्ट है जो सारे ये कॉस्मेटिक वाला पार्ट है, ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं हम, ये भी हमारा प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है। ओके राइट। तो जो प्लास्टिक सर्जन सर जो बनते हैं वो फिर पढ़ाई किस चीज की करते हैं, लाइक सब जैसे सभी डॉक्टर बनते हैं वैसे आपकी होती है या कुछ अलग होता है? नहीं सेम ही है, पहले सबसे पहले तो पीएमटी है, अब नीट शुरू हो गया है, नीट यूजी स्टार्ट हो गया है, उससे एमबीबीएस करते हो, एमबीबीएस के पास बाद आप जनरल सर्जरी करते हो जी, जनरल सर्जरी के बाद नीट सुपर स्पेशलिटी आता है, वो क्लियर करना पड़ता है, उसमें फिर प्लास्टिक सर्जरी चूज करनी पड़ती है, प्लास्टिक सर्जरी में भी कोर्स करके उसके बाद फिर बंदा प्लास्टिक सर्जन बनता है। ओके राइट। तो सर जिस तरह से आपने ये बताया, जैसे कई बार जले का केस आ जाता है, कुछ लोग दूध से जल जाते हैं, कुछ लोग बिजली से जल जाते हैं, या कई अग्निकांड में लोग जल जाते हैं जिनके कारण कई बार तेजाब कोई किसी के चेहरे पर फेस पे फेंक देता है, ऐसे काफी केसेस आते हैं, क्या प्लास्टिक सर्जन की दुनिया में या प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में इन सब चीजों का इलाज संभव है? देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो इस चीज का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जन के पास है। ओके। जो जले का काम है वो सारे ही है, चाहे वो एसिड बर्न है, इलेक्ट्रिक बर्न है, फ्लेम बर्न है, ठीक है, जहाँ स्कैल्ड बर्न है, थर्मल बर्न है, जो सारे बर्न है उसका जो मेन अगर स्पेशलिटी किसी के पास है तो वो प्लास्टिक सर्जन के पास है, प्लास्टिक सर्जरी में ही बर्न का सारा ट्रीटमेंट होता है। ओके राइट। और ट्रेनिंग भी अगर हम कहें कि ट्रेनिंग भी सिर्फ प्लास्टिक सर्जन को ही होती है कि एक जले हुए का इलाज कैसे करना है। एक सर पीछे काफी चर्चित केस रहा था कि किसी किसान का कटा हुआ हाथ आपके पास आया था, पर बाद में आपने उस हाथ को जोड़कर उसे चलने भी लगा, वो हाथ चलने भी लगा, उसे चला भी दिया था आपने, कितना कुछ सच्चाई है इसके बारे में? देखो ये बिल्कुल सच्ची बात है, ठीक है, यूजली आपने पहले भी सुना होगा कि कई एक बार चंडीगढ़ में भी हुआ था, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको कई केसेस मिल जाएंगे जिसमें कटे हुए हाथ को जोड़ा जा चुका है, और इसको जोड़ा भी जा सकता है। इसमें ये होता है कि अगर दो टाइप होती है, अगर तो एक बार होता है कि पूरा का पूरा हाथ कट गया, उंगल कट गई है, उसको हम बोलते हैं रीइम्प्लांट करना, मतलब कि टूट कट गया उसको दोबारा जोड़ना। कई बार होता है कि अगर हाथ पे चोट होती है सिर्फ खून की नाड़ियां कट जाती है और तलियां कट जाती है, पीछे से सारा जुड़ा होता है, उसको हम रीवैस्कुलाइजेशन बोलते हैं कि वैस्कुलैरिटी है, जो खून का बहाव है उसका जो खत्म हो गया उसको हमने दोबारा बना लिया है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो खून नहीं जाएगा, हाथ काला हो जाएगा, फिर बाद में हाथ कटना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें से हम एक तो जो हाथ को बचाते हैं, दूसरा अगर कटा हुआ तो उसको दोबारा भी जोड़ते हैं। उसमें हमें बहुत ही माइक्रो सर्जरी कहते हैं जो पार्ट है जो प्लास्टिक सर्जन का, माइक्रो सर्जरी करके दूरबीन में देख के छोटे छोटे वो जो धागे होते हैं जिससे हम जोड़ते हैं वो माइक्रोस्कोप के बिना नहीं नजर आते, अगर आप हम ऐसे देखेंगे तो हमें वो नहीं मिल पाएंगे, हम ढूंढते रह जाएंगे उसको, माइक्रोस्कोप में जोड़ते हैं उसको, सारी चीजें जोड़ते हैं, नसों को जोड़ते हैं, तनियों को जोड़ते हैं, स्किन को भी जोड़ते हैं, और आर्टरी वेन तो मैंने आपको पहले बताया ही है कि हमने आर्टरी वेन दोनों को जोड़ के उसको करते हैं, हमने किया है, सक्सेसफुली केस किया है और अच्छे रिजल्ट हैं इसके काफी। तो डॉक्टर साहब इसका कोई टाइम पीरियड भी मतलब तय किया गया है कि कटने के बाद अगर कोई अंग शरीर का कट जाए तो इतने समय सीमा के अंदर ही वो आप तक पहुंच जाना चाहिए मरीज? हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो विद इन 6 आवर अगर हमारे पास कोई कटा हुआ हाथ आता है तो उसको जोड़ते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, या शरीर का कोई और अंग भी, शरीर का कोई जैसे कई बार अंगूठा कट जाता है, पैर कट जाता है किसी का, ये ऐसे जो अंगूठा है, आप अंगूठे की बात कर रहे हो या उंगलियों की बात कर रहे हो, उसको हम 24 आवर तक भी जोड़ सकते हैं। ओके।
और सर्दियों में यूजली जो मेटाबॉलिक रेट होता है हमारे शरीर का कम होता है, तो कई बार ये टाइम और भी एक्सीड कर जाए तो हम उसको सक्सेसफुली जोड़ सकते हैं, पर गर्मियों में नहीं। 6 आवर्स जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, अगर कोई हाथ है तो 6 आवर्स है, अगर कोई डिजिट है उंगल है तो 24 आवर्स तक भी हम उसको जोड़ सकते हैं। ओके राइट, उसके बाद भी ट्राई कर सकते हैं अगर कंडीशन सूटेबल्स है तो। वेरी गुड सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवालों का जवाब दिया। एक मुझे बताइएगा, कभी किसी के चेहरे पर लाइक तिल जो होता है जिसे मुहासे बोलते हैं, मोका भी बोलते हैं पंजाब में, तो ये जो बड़े बड़े हो जाते हैं इसके पीछे क्या कारण होता है? बाई बर्थ हो जाता है कईयों को, कईयों को बर्थ के बाद होता है? यूजली ये बाई बर्थ होते हैं, और जो बर्थ के बाद वाली बात कर रहे हैं तो वो कई बार स्किन कैंसर्स होते हैं जिसको हम बेसल सेल कार्सिनोमा, SCC मेलानोमा कहते हैं, वो स्किन वो बर्थ के बाद हो जाते हैं स्किन के ऊपर। यूजली एक्सपोज्ड एरिया जैसे हमारा हैंड्स है, फेस है, 90% तो फेस पे ही होते हैं जी। राइट सर, ठीक है, जो तो बचपन है नर्वस भी होता है उसका, कोई ऐसा कुछ कॉस्मेटिकली होता है कि पेशेंट को देखने में अगर लगे कि मैं और अच्छा लगूं ये निकल जाए तो उसको निकलवा सकते हैं। उसमें जो हम करते हैं चीरा का निशान नहीं आता, पता ही नहीं लगता कि कोई ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और जो दूसरी बात आपने की है कि बाद में भी हो सकता है, तो वो स्किन कैंसर्स होते हैं जो इसमें BCC है वो इतना खतरनाक नहीं होता, जो SCC है वो कई बार आगे मेलानोमा है वो आगे जाके फैलने का डर होता है, तो उसको भी समय पे देख के ध्यान देख के या अपने प्लास्टिक सर्जन को दिखा के या कोई भी डॉक्टर आपके जो नजदीक में है उनको दिखा के उसका इलाज करवाना चाहिए, जल्दी से इलाज कराना चाहिए। एक सर जो मोटापे के लोग शिकार हो जाते हैं, कई बार कुछ अलग तरह की दवाइयां खाते रहते हैं, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने लगे हैं, मोटापा कम करें, जो पतले होते हैं वो मोटे हो जाएं, मोटे हैं जो पतले हो जाएं, तो मैं चाहता हूं कि एक थोड़ी सी अवेयर भी आप हमारे दर्शकों को कर दीजिए, क्या ऐसे प्रोडक्ट खाने से कोई मोटा आदमी पतला हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ आप लोग जैसे सर्जन लोग हैं उनके द्वारा ही सफल इलाज किया जाता है? देखो, इसका जो मोटापे का बेस्ट ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो यही है। आपको पहले अगर कोई सर्जरी भी कराना चाहते हो तो पहले हम कहते हैं कि आप ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, जो डाइट चेंज करो, अगर वो पेशेंट कर पाता है तभी उसकी आगे ब्रियाटिक सर्जरी होती है। ब्रियाटिक सर्जन हमारे पास काफी है, तो यूजली जो ब्रियाटिक सर्जरी वाला काम है वो प्लास्टिक सर्जन नहीं करता है, वो यूजली ब्रियाटिक सर्जन होते हैं, उसको पहले कर देते हैं। पर उसके बाद जब वो ब्रियाटिक सर्जरी हो जाती है तो कई बार जो स्किन में मोटापा तो खत्म हो जाता है पर जो स्किन में एब्डोमेन की बड़ी लैक्स हो जाती है, राइट सर, वो भी उतनी ही गंदी लगती है जितना मोटापा जी। मतलब क्या कह सकते हो कि मोटापे से ज्यादा वो गंदा लगता है, जो ढीला लग जाता है, ढीला ढीलापन पड़ जाता है, तो वो हम प्लास्टिक सर्जरी में उसको करते हैं। टमी टक बोल देते हैं हम नॉर्मल भाषा में, और जो हम अपनी मेडिकल भाषा में उसको एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। सर मैं चाहता हूँ कुछ सरल चीजें आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, ऐसी कौन कौन सी केसेस है जिसमें मरीजों को इधर उधर भटकने की बजाय सीधे प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट कर लेना चाहिए या सीधे प्लास्टिक सर्जन के संपर्क में आ जाना चाहिए? देखिए, जो मैंने अपने करियर में देखा है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो रहती है कि अगर मुंह की हड्डियां टूटी हैं तो लोग क्या करते हैं, हड्डियां टूटी हैं तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास चले जाओ। ये कई पेशेंट आते हैं जो हड्डियां वाले डॉक्टर फिर मेरे पास भेजते हैं। यूजली जो मुंह की हड्डियां होती हैं अगर वो टूटती हैं तो वो प्लास्टिक सर्जन का काम है, हम उसको मिनी प्लेट्स होती हैं वो डाल के हम उसको जोड़ देते हैं। अगर कोई फेस का साथ में कोई चोट लगी है उसको भी जोड़ते हैं। रिसेंटली हमने एक केस किया है जिसमें पेशेंट का कार एक्सीडेंट हो गया था और ग्लासेज ये वाला साथ पार्ट सारे कट गया था। जैसे हम आंख बंद करते हैं, हमारा जो स्माइल करते हैं, ये सारे मसल्स होते हैं जो मुंह के, वो एक नस होती है जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, उससे कंट्रोल होती है और उसकी वो कट गई थी। ओके सर, तो अगर वो प्लास्टिक सर्जरी अगर ना करवाती, मेरे पास ना आता पेशेंट वो, तो अगर उसको कोई वैसे ही कर देता तो वो जिंदगी भर उसका मुंह टेढ़ा रहता। okay. एक और होता है जैसे हम कुछ खाना खाते हैं हमारे मुंह में स्लाइवा आता है, इसको हम पैरोटिड डक्ट बोलते हैं जी। उसकी फेशियल नर्व भी कटी थी और पैरोटिड डक्ट भी कटी थी। right. अगर वो उसका सही तरीके से पूरा जो इलाज होना चाहिए अगर वो ना होता तो वो अगर कुछ खाना चाहती तो जहां से सारा स्लाइवा निकलता उसका, जहां से कटता। तो जैसे जो सारी चीजें जो फेस के रिलेटेड कोई भी इंजरीज है, ये मैं सभी
अपने लोगों को कहना चाहूंगा कि एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप प्लास्टिक सर्जरी का ओपिनियन जरूर लें। राइट सर, कराया चाहे जिससे मर्जी, वो आपकी इच्छा है, पर एक बार जरूर आप एडवाइस जरूर लें कि एक प्लास्टिक सर्जन से कि मेरे फेस पे ये चोट है, इसका क्या होना चाहिए। सर एक चीज और, एक पुरानी बहुत कहावत थी कि नीम हकीम खतरे जान, ऐसे कुछ केसेस के बारे में आप बता पाएंगे? जो केसेस तो प्लास्टिक सर्जन का होता है मगर वो गांव के किसी वैद को या किसी आरएमपी डॉक्टर्स के पास वो लगातार कंटिन्यू इलाज कराते रहते हैं और लगातार केस जब खराब हो जाता है, अपने अंतिम चरण में आ जाता है जिसका ना कोई इलाज आपके पास संभव होता है, तब वो आपके पास आते हैं, ऐसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आपका इलाज डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग करना है या ना करना है, ये आपका अपना डिसीजन होता है जी। जरूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आपको वो इलाज करवाना ही करवाना है, वो आपकी इच्छा है। हम आपको सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अगर वही अगर आप उनको लगता है कि हमने जी अपने देसी इलाज ही करना है, उन लोगों को भी चाहिए कि एक बार आके सलाह जरूर लें डॉक्टर की कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ज्यादातर ये वाले केसेस होते हैं कि जो कैंसर वाले होते हैं, वो स्टेज ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद फिर हमारे पास भी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होता कि हम उसको ठीक कर पाए जी, ठीक है। और पेशेंट को ये होता है कि बताते हैं कि हमें 3 साल से ये दिक्कत थी, हम देसी इलाज करा रहे थे तो कुछ हुआ नहीं, अब ज्यादा जब खराब हो जाता है फिर हमारे पास आते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये भी है कि कई बार गंजा बना जाता है, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं तो लोग वो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है और सही प्रक्रिया क्या है सर? देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट का काम है वो भी एक प्लास्टिक सर्जन का ही पार्ट है, वो और स्पेशलिटी भी कर रही है जी, पर जो मेन इसका काम होता है वो एक प्लास्टिक सर्जन जो बेटर कर सकता है, वो कोई और स्पेशलिटी इतना बेटर नहीं कर सकती। अंटी वेलनेस उसकी उसकी ट्रेनिंग वैसी हो कि वो कर पाए। तो इसमें ये होता है कि बाल जो झड़ते हैं जेनेटिकल भी होते हैं, ठीक है, और कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल लगा देते हैं, कोई थर्मल डैमेज हो जाता है, स्ट्रेटनिंग वो यूज करते हैं कई बार, वो सारे रीजंस होते हैं इसके होने के। तो इसको हम पहले तो हम इसको अवॉइड करेंगे कि जो हेयर फॉल है, यूजली 100 हेयर्स फॉल पर डे नॉर्मल होते हैं, वो टीलोजेनिक फेस होता है उसमें, पर वो रिकवर कर जाता है। अगर पेशेंट का ज्यादा है, ज्यादा बढ़ गया है, जो हेयर लाइन रिसीड कर गई है, तो उसका जो अंतिम ट्रीटमेंट होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। ओके, राइट। तो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया क्या है फिर, वो बाल कहाँ से लाए जाते हैं जो लगाए जाते हैं? यूजली हमारे जो पीछे वाले बाल होते हैं जिसको हम ओसिपिटल रीजन पे बोलते हैं जी, वो यूजली नहीं जाते, वो रहते ही हमेशा। तो हम क्या करते हैं कि उनको पीछे से निकाल के, उनकी रूट के साथ निकाल के आगे उनको इम्प्लांट कर देते हैं। इसके पीछे भी कोई कारण होता है सर कि आगे के बाल नहीं झड़ते हैं, पीछे के बाल नहीं झड़ते हैं? ये मेनली जेनेटिकली होता है, वो जो एक अपना हेयर का जो मेन नेचर है वो ऐसे ही है कि जो यूजली होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं एंड्रोजन को, एंड्रोजेनिक जो एलोपेशिया बोलते हैं जो मेल्स में होता है जी। तो जो हमारे जो ओसिपिटल हेयर होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं उसको, इसलिए वो हमेशा बच जाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं हम तो वो भी बाद में वो ऐसे ही रहते हैं। एक अक्सर कहा जाता है कि जिनके बाल झड़ते हैं उनके पास पैसे बहुत होते हैं, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है? ऐसा तो पता नहीं, पर उनके पैसे लगते हैं। राइट, थैंक यू सर। एक चीज और है, एक सवाल अक्सर हम देखते हैं लड़कों में कि या पुरुषों में हम देखते हैं कि उनका छाती जो होता है लटक जाता है, कई केसेस ऐसी आती है, तो वो बहुत तरह के इलाजों में अपना समय व्यर्थ करवाते हैं, इसका जो सही इलाज है सर वो क्या है? देखो, पहले तो हमें देखना होता है कोई हार्मोनल कोई इम्बेलेंस तो नहीं है उनमें, जिस करके उनको ये है। कई बार ये होता है जिम में जाते हैं उसमें जो वेट लॉस हो जाता है उसमें फैट रह जाती है, और कई बार कुछ ऐसे होते हैं स्टीरॉयड इंजेक्शंस वगैरह कुछ लेते हैं, उससे भी ये गाइनेकोमेस्टिया जिसकी आप बात कर रहे हो ये होने का चांस होता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट तो इसका सर्जिकली होता है, सर्जिकली हम उसको जो भी ब्रेस्ट टिश्यू है जो फैट टिश्यू है इनका वो सारा निकाल देते हैं, उसका चीरा भी नहीं आता और पता भी नहीं लगता कि कभी कोई सर्जरी हुई थी। राइट, और पेशेंट को भी कंफर्टेबली अगर कोई जिम वाला है तो सिंपल वेस्ट डाल के कैसे भी घूम सकता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। सर मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक है अगर कोई आपसे सवाल पूछना चाहते हैं तो वो क्या आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या आपसे वो किस तरह संपर्क कर सकते हैं?
देखिए, एक तो आपके जो कमेंट भी कर सकते हैं, वो कमेंट के जरिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर मेरे नंबर पे भी अगर किसी ने भी कुछ पूछना चाहता था तो यार मोस्ट वेलकम। तो सर आप एक बार जरूर नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नंबर है 9463637876। सो आपको हमारा ये आज का एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके मन में प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, हमारी टीम सर से मिलकर के आपको उसका जवाब उपलब्ध करवाएगी। अगर आप सर से डायरेक्ट भी बातचीत करना चाहते हैं तो समय से करेंगे, रात के समय कोई फोन नहीं उठाया जाएगा। इस तरह के अन्य कार्यक्रम के लिए जुड़े रहें जीबीसी अपडेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.